ओम शांति। आज की तारीख है 23/1/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शुभाव। हम बच्चों को रूहानी नशा चढ़ाते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इस ही नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? सभी का प्यार प्राप्त हो, ऐसे नहीं थोड़ों का मिले थोड़ों का ना मिले, नहीं। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे कि तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं, बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोल दो कि दो बाप है, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। धारणा के लिए मुख्य सार की दो मधुर बातें। नंबर एक है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो कि ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। नंबर दो, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूम भूम करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप को मदद करो। वरदान, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे होमवर्क की धारणा की बात। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष क्या पुरुषार्थ करें? तो पुरुषार्थ करें कि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना वो भस्म नहीं हो सकता। अब ब्रह्मा बाप समान सदा अग्नि स्वरूप शक्तिशाली याद की स्थिति,
बीज रूप लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति पर विशेष अटेंशन देकर सब हिसाब किताब भस्म करो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.